आज मैं आपको कमर की कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहूंगा। जिन लोगों को कमर में दर्द हो जाता है उन्हें क्या करना चाहिए। टोटल मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो हर एक्सरसाइज आप कम से कम 12 बार किया कीजिए। जो पेशेंट यंग है उनके लिए 12 से 15 बार वो 5 एक्सरसाइज करने हैं। जो ओल्ड एज के हैं उनके लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइज है और वो भी बताऊंगा कि कब कब करना है। पहली एक्सरसाइज क्या है, बहुत सिंपल है कि दोनों हाथ को आप छाती के बराबर रखेंगे और सर को हल्का सा ऊपर उठाएंगे। ये उनके लिए है जिनको शुरुआत में दर्द होता है। अगर इतनी दूर पे आपको कमर दर्द है तो इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। अगर आपका दर्द कमर के बीच में है तो आप इसी पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं और इसमें आप 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं उनकी कमर के लोअर हिस्से में यहाँ पे दर्द होता है, तो उसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और ऊपर उठना है और सर से छत की तरफ देखना है। जब हम आंख को ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक एंगल बनता है जिससे यहाँ पे आप एक खिंचाव महसूस करेंगे। अगर आप खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही एक्सरसाइज है और 15 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार रिपीट कीजिए और सुबह में शाम में जिस समय भी आपको लगे आप उस समय कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, आपको बेड के एज पे आनी है, बिल्कुल एज पे। ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन और जवान लोग ही करेंगे, बूढ़े लोग इसको नहीं करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, दोनों हाथ को पीछे रखना है और थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करनी है। इससे दोबारा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा और ये सारी मांसपेशी आपकी अलाइनमेंट में आ जाती है और बहुत अच्छी इसकी स्ट्रेंथ हम इसे रीगेन कर सकते हैं। बेसिकली इसे हमें अपना टोन डेवलप करना होता है जिससे ये टोन वापस आ जाती है और बाकी कमर फिर से एक अच्छी पोजीशन पे हमारा ठीक हो जाता है। तीसरी एक्सरसाइज, जब हम ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो तीसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने, दोनों पैरों को ऐसे उठा के सुपरमैन पोज कहते हैं इसे, और इसमें आपको रुकना है। ये भी एक्सरसाइज प्लीज बूढ़े लोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन और जवान लोगों के लिए। इसमें भी आपको 15 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और फिर रिलैक्स करना है। इसमें आपकी पूरी मांसपेशी और भी टोन हो जाती है। ऐसे ही आप इसको इससे कमर दर्द काफी कम हो जाएगा। पर खास कर ये जब हमें कमर में दर्द हो उस समय नहीं करना है, जब कमर दर्द कम हो जाता है दवाई 5 दिन 10 7 दिन दवा लेने के बाद उसके बाद करना होता है, फिर हम रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 10 से 12 बार और 15 सेकेंड तक होल्ड करना है। चौथा एक्सरसाइज जो है वो अब सीधे होके हम लेटेंगे, दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे और अपनी कमर को उठाएंगे। ये एक पूरा एक अच्छा अलाइनमेंट होना चाहिए, इससे आपकी ये मसल और आगे की मसल दोनों टोन हो जाती है। ये भी बूढ़े लोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन और जवान लोगों के लिए। पांचवा एक्सरसाइज खासकर उनको लिए है जिनको यहाँ पे सीआईटी का, जिनको आप कहते हैं या इनको दर्द यहाँ पे आता है, उसमें क्या करना है, आपको पैर को दूसरे पैर पे ऐसे रखना है 90 डिग्री के पोजीशन पे, ये ऐसे रहेगा। फिर दोनों हाथ से आप इस साइड के, जैसे मैं आपको अभी इधर दिखा रहा हूँ, इधर पकड़ के दिखाना है इनको, ऐसे ही आप इधर इसको पकड़ेंगे और अपने पैर को पेट से लगाने की कोशिश करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो एक यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। अगर आपको ये खिंचाव महसूस हो रहा है इस जगह पे तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दोबारा कोशिश इसको कीजिए कि इस पोजीशन पे रख के और फिर से ये एक्सरसाइज करें। ये 5 एक्सरसाइज आप बिस्तर पे लेट के कर सकते हैं। छठा एक्सरसाइज क्या है, आपको उसके लिए बैठना होगा। इसी एक्सरसाइज को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसे हम यहाँ पे ऐसे रख लें, यहाँ पे हम इसे होल्ड करेंगे ऐसे और कमर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें फिर से आपको खिंचाव इधर होना चाहिए। अगर ये खिंचाव आपको आपके लेफ्ट थाई पे हो रहा है
इनफैक्ट लेफ्ट ग्लूटियल रीजन के पास हो रहा है, पीछे इधर हो रहा है, तो ये सही एक्सरसाइज है। फिर होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। तो ये 6 एक्सरसाइज है और ये हमें तब करना है जब हमारे कमर का दर्द काफी कम हो जाए, या डॉक्टर की सलाह कि कब वो आपको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज अभी से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है।